नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अंडर आर्म ऐसे एक जगह होते हैं जहाँ से बाल निकालना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, अक्सर यहाँ पे कालापन आ ही जाते हैं। हर किसी को ये प्रॉब्लम है और जो हर कोई ये निकालना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम निकालना चाहते हैं, सफ़ेद गोरा बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे होम रेमेडीज से बहुत ही आसानी से, मतलब घरेलू नुस्खा से बहुत ही आसानी से ये जो दिक्कत है इसके छुटकारा पा सकते हैं। अरे बहुत ही आसानी फ्रेंड, आप घर का सामान से बहुत आसानी से बना पाओगे। तो कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते। लेकिन फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्ट करने का पहले आपका पास एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते। तो फ्रेंड, ये रेमेडी बनाने के लिए जो जो चीज़ का जरूरत पड़ेगा आप देख लेना। पहले तो जो पेस्ट है फ्रेंड, हर किसी का घर में मिल जाते हैं, और खाने का चीज़ जैसे टोमेटो वगैरह ये तो हर किसी का घर में रहते, क्योंकि हमेशा लगने वाला चीज़ में से बिरस्त हर कोई करते रहते, और ये खाने का जो चीज़ है टोमेटो वो हमेशा मिल जाएगा घर पे। तो फ्रेंड, इसमें क्या करना, ये आधा टोकरा काट लेना, देख सकते मेरे से आधा कर लिया ऐसे। इसका बीज में अंदर में जो पानी जैसा रहते फिर इसका बीज रहते वो निकाल लेना, बाहर का जो सिल्का होता है वो नहीं निकालना। तो अंदर जितना भी है अच्छा करके निकाल देना। तो फ्रेंड, इसका साथ में थोड़ा पेस्ट मिक्स करना पड़ेगा। तो कैसे मिक्स करना मैं आपको बताते, अच्छा करके इधर में फ्रेंड घिस घिस के आपको मिक्स करना पड़ेगा। आप देख सकते मैं जैसे कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसे घिस घिस के मिक्स कर लेना, जितना अच्छा मिक्स हो जाएगा उतना अच्छा ये काम करेगा। तो थोड़ा टाइम लेके घिस घिस के साथ मिक्स कर लेना। तो फ्रेंड, जब मिक्स्ड हो जाए तो दो मिनट के लिए छोड़ देना, ऐसे ही रख देना उसको। रखने के बाद क्या होगा फ्रेंड, वो अच्छा करके अपना आप मिक्स्ड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दो मिनट के लिए छोड़ दूंगा, तो और भी अच्छा मिक्स्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो वो मिक्स होने का बाद फ्रेंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ से आप काला स्पेट निकालना चाहते हैं, जैसे काला दाग आ गया है तो उधर में आपको लगाना पड़ेगा, जहाँ पे बाल निकालना चाहते हो वहाँ पे भी आप आसानी से लगा सकते। तो मैं आपको हाथ में इसको अप्लाई करके बताते हैं। मैं जैसे अप्लाई कर रहा फ्रेंड, नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छा करके घिस घिस से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाल का अंदर से जाके वो जो चामड़ी है उसका अंदर तक भी चला जाना चाहिए। तो क्या है, अच्छा करके सफ़ेद भी हो पाएगा और बाल निकालने का काम भी अच्छा करके कर पाएगा। तो आपको थोड़ा टाइम लेके इसको घिस घिस के उसमें अप्लाई करना है, मालिश करना है। तो ये जितना अच्छा करके अप्लाई करोगे उतना अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। तो फ्रेंड, आप अगर सिर्फ काला दाग निकालना चाहते हैं तो इसमें आप यह करना, कोई भी कपास वगैरह आपका अगर घर पे रहते हैं, जैसे देख सकते घर पे अगर कोई कपास वगैरह रहते फिर टिश्यू रहते तो उससे आप सिर्फ अगर दाग निकालना चाहते तो उसमें घिस घिस के साफ कर लेना, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और अगर बाप में बाल निकालना चाहते तो थोड़ा लेट करना, 4-5 मिनट तक अप्लाई करने का बाद उधर से बाल निकाल देना, तो पूरा अंदर तक जितना भी है पूरा साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये आपको 100% गारंटी है, ये 100% और करेगा। तो आप ज़रूर अप्लाई करना, अप्लाई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना आपको कैसे रिजल्ट आया। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% रिजल्ट आएगा, फिर भी कैसे आया मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना। और फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।